नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में जा रही है और आपको वहां से रूबरू करवा रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत गंगवारा प्रखंड रामगढ़ पहुंची और वहां से मुखिया कार्यवाहक रूपलाल बस्की से मुलाकात की। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान मुखिया दुलारी बोरमरी है। तो चलिए लाइव सेशन में आज बातचीत करते हैं मुखिया कार्यवाहक रूपलाल बस्की से। रूपलाल जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रूपलाल जी लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क में। हाँ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। रूपलाल जी, क्या स्थिति है पंचायत की? कितना विकास हुआ आपके कार्यकाल में पंचायत का? हमारे कार्यकाल में जहाँ तक सरकार की उपलब्धि था उतना तो बहुत कुछ हुआ। जैसे हर एक हमारे गांव के हर एक पंचायत के हर एक गांव में सोलर लाइट का हम लोग एक खुटा बाद एक खुटा पर लाइट लगवाए। उसके बाद जल मीनार कितने लगाए हैं रूपलाल जी? जल मीनार लगा है 6, 7, 8, 9 को लगा है हमारे पंचायत। हाँ, 5 गांव है जी जी, 5 गांव में करीब 8 को लगी है जी। आवास योजना की क्या स्थिति है रूपलाल जी, उसमें कितने लोगों को लाभ मिला है आपके यहाँ? आवास में करीब करीब 2020 से हम लोग का बहुत मैंने ज़्यादा थीम चल रहा है। 2020 में करीब 300, इसके बाद 2020-21 में वो तो सोची होगी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। करीब एक गांव में 40 से कम नहीं है, 40-45 से कम नहीं है जी। पहले से भी होते रहा है, अभी भी जारी है जी। रूपलाल जी, विधवा पेंशन या विधवा पेंशन भी अभी जो हम लोग का ये झारखंड सरकार का जो थी सरकार आपके द्वारा, हाँ आपका अधिकार आपके द्वार उस स्थिति के तहत मैंने जितना भी लाभों को हम लोग जैसे जहाँ तक सूचना दिए थे आवास का जिसका बाकी था, वृद्धा विधवा का राशन कार्ड से संबंधित योजना से जानकारी, मैंने जो जो फॉर्म फिलअप किया था उसका सूची आ गया है जी। रूपलाल जी, आपके यहाँ पीसीसी के अंतर्गत कार्य कितना हुआ है? कब पीसीसी? पीसीसी भी जो हम लोग 14वीं के द्वारा करते थे, जितना पैसा का जी हाँ राशि का काम होना चाहिए था तो उसमें जिस जगह मैंने जनता का दिक्कत या उपयोगिता के आधार पर जैसे 200 फीट कहीं 300 फीट और उसके बीच में पुलिया आता है तो उसके साथ में उसका हर एक गांव में वो हम लोग निरीक्षण करके करवाया। बहुत जगह अभी बाकी है लेकिन जी जी। और मनरेगा में मुख्य रूप से क्या क्या कार्य हुआ? मनरेगा में तालाब हुआ है, कुआं हुआ है, डोभा जी, और ये जो बागवान वगैरह भी बनाया आपने, पशु सेट वगैरह का भी निर्माण करवाया है आपने? पशु सेट पहले हुआ है, हमारे पूर्व में हुआ था, इसके बाद तो जी जी। जैसे हम लोग को जैसे इस सरकार का जो है ना बहुत कुछ हम लोग जैसे बैठक कराते हैं पंचायत में तो कभी सरकार भेज देता है अपना गाइडलाइन, तो उस आधार पर हम लोग को चलना होता है, जो कि हमारा रजिस्टर कभी विफल भी हो जाता है। वो लोग बोलता है जी, सरकारी गाइडलाइन के अनुसार आपने कार्य करवाया है। कार्य करना होता है कभी, लेकिन हमारा रजिस्टर के आधार पर। अच्छा, ये रूपलाल जी ये बताइए कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं, लोगों की इलाज की व्यवस्था? हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग गंगवारा पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र अभी तक उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए आपने शिकायत भी कहीं पर किया है, आवेदन वगैरह दर्ज हुआ? शिकायत तो पहले हम लोग का ऐसे
इसे पूछताछ करने के लिए ऐसे भी निरीक्षण के दौरान आता है, तो हमारे बगल वाला पंचायत में मेरे 1.5-2 किलोमीटर के बगल में जो स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र है, तो वो दूसरे वहाँ पर लोग जाते हैं इलाज। हाँ, वहीं पर दौड़ना पड़ता है। अब हमारे तो ये एक समस्या है अभी पंचायत में आपके। हाँ, और स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र तो होना चाहिए अनिवार्य रूप से। जी जी। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए कि बागवानी वगैरह इस पर कार्य हुआ है पंचायत में? बागवानी तो हमारे फंड से अभी तक हमारे पंचायत में हुआ नहीं है, लेकिन दूसरे विभाग फंड से हुआ है, जैसे जिला या कुछ अलग विभाग से हुआ है। जी जी। तो एक बार फिर चुनाव मैदान में जाने की योजना है? ऐसे तो कोशिश प्रयास में तो है। देखिए, हम लोग को लॉकडाउन के द्वारा 2 साल टाल दिया। आप फुल पावर तो नहीं, वो तो कार्यकारी के माध्यम से हम लोग मुखिया के नाम पर कार्यरत है, लेकिन जिस तरह बिहार में मुखिया का पावर होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग का पावर नहीं है, झारखंड नहीं है। तो क्या लग रहा है कि अगर दोबारा चुनाव में जाते हैं तो लोग एक बार फिर आपको अपना साथ देंगे, समर्थन देंगे? कितना विश्वास है आपको? ऐसे तो जहाँ तक हम लोग जनता को अभी तक खुश ही रखे हैं, किसी तो हम अपने दरवाजा से किसी को घुराए नहीं है। किसी काज के लिए तो हम रात हो या दिन हो, कभी 24 घंटा जो काम के लिए आता है। जी जी जी। रूपलाल जी, हमारे चैनल के माध्यम से चलते चलते क्षेत्र की जनता को चुनाव के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? और जरूर देंगे। मैंने हम जहाँ तक इतना कार्यकाल समय में अभी तक हमारा यहाँ शिकायत नहीं हुआ है हमारे पंचायत में, और आगे की सोच और हमारा प्रगति है। जहाँ तक हम जनता की भलाई के लिए सोचते रहेंगे और अपना योजना अपना तौर तरीका से निभाने का प्रयास करेंगे, और सरकार तो यही हम चाहेंगे अगर हम लोग को फुल पावर दे दे तब तो और हमारा अपना पंचायत को सजाने सवारने का काम करेंगे। जी रूपलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत है, नमस्ते। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए मुखिया कार्यवाहक रूपलाल बस्की, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से पंचायत में विकास के तमाम कार्य किए हैं, योजनाओं को उतारने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत से कार्य अधूरे रह गए हैं। सबसे बड़ी समस्या उन्होंने बताया कि अभी तक उनके पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इसके लिए वो सरकार से भी मांग करते हैं कि उनके पंचायत में जल्द से जल्द एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों को पावर भी बहुत कम है, मुखिया को अगर थोड़ा और पावर मिले तो हम लोग पंचायत का और ज़्यादा विकास कर सकते हैं। ऐसे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क।